गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक है? जबरदस्त है। ये देखो, इन्वायरमेंटल इशू का ये दूसरा पार्ट है। एयर पोल्यूशन के बारे में हम बताए थे, थोड़ा सा उसमें बच गया था। तुम्हारा एक केस स्टडी इन दिल्ली, तो थोड़ा सा जानोगे, और वो एयर पोल्यूशन को रोकथाम के लिए कुछ लॉ भी बना है, तो वो भी तुमको जानना है। तो मैं शुरू करूं, इजाजत है? ये देखो क्या कहता है, इन इंडिया द एयर, देख लो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू द फोर्स इन 1981 एंड एमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज ए एयर पोल्यूटेंट। ये दिमाग में रखना है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो अलग नहीं है, उसको एयर पोल्यूशन में ही ले आ गया, और एक कानून पास करके वो जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट जो था, जो बना था फ्रेम 1981 में, तो 87 में उसको एबेंडन करके नॉइज पोल्यूशन को ला दिया। ये दिमाग में रखना है भैया, समझ रहे हो? इसको एकदम याद रखना। अब देखो, लाउड साउंड्स कॉजेस, देखो ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। ये देखो, ये साउंड मेजर जो किया जाता है वो डेसीबेल में, तो ये 150 डेसीबेल और मोर जनरेटेड साउंड में डैमेज एयर ड्रम्स, दस परमानेंटली इंपायरिंग हियरिंग एबिलिटी। जिसे उसमें जेट प्लेन और रॉकेट्स भी आता है, यानी गवर्नमेंट जो है तुम्हारा, ये 150 के ऊपर जो भी साउंड अगर प्रोड्यूस होता है लाउड साउंड, तो उसको बैन किए हुआ है। अब देखो क्या कहता है कि नॉइज ऑल्सो कॉजेज स्लीपनेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न एंड स्ट्रेसिंग द ह्यूमंस। तो इतना साउंड पोल्यूशन में आप लोग सब आदमी पढ़े हो, याद रहेगा तुमको, ये याद रखना है 150 डेसीबेल, ठीक है? ये देखो, कंट्रोलिंग ये व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, ये एक केस स्टडी दी हुआ है, एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली। जनरली तुम्हारा देख लो, ये जो है केस स्टडी कब शुरू हुआ था कोई बोलेगा? एक समय था कि दिल्ली जो है तुम्हारा, यानी पूरे वर्ल्ड में 31 मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटी था, तो उसमें दिल्ली का चौथा पोजीशन था। और ये तुम्हारा कब था? 19 तब एक टास्क फोर्स का माने गठन हुआ कि कैसे माने एयर पोल्यूशन को दिल्ली में घटाया जाए, ठीक है? तब वहीं पे क्या आया कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तुम्हारा, तो उसमें क्या किया गया, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लाया जाए। अब क्वेश्चन ये दिया कि सीएनजी क्यों, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी ही क्यों? तो सीएनजी क्या होता है तुम्हारा, ज़्यादा इफिशियंट होता है और ये कंपीट बर्निंग करता है, इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। देख लो, कहता है बर्न मोस्ट इफिशियंटली, सीएनजी चीपर, नो एडल्ट्रेशन, इसमें एडल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद एक नया नियम आया तुम्हारा, वो इमिशन के आधार पे भारत स्टेज फोर्थ आया, जिसके चलते क्या हुआ कि दिल्ली का तुम्हारा पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ, एयर पोल्यूशन। लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेस पाइपलाइन है गैस लाने के लिए, ओल्ड व्हीकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी में अनलीडेड पेट्रोल और डीजल आया तुम्हारा, कैटेलिटिक कन्वर्टर एकदम यूज करने के लिए बोला गया ऑटोमोबाइल्स में। ये जो भारत स्टेज फोर जो भी अभी व्हीकल, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, सब क्या है, ये यूरो थर्ड होता है तुम्हारा, ये माने इंटरनेशनल मानक है ये। तो इसमें ये माने निश्चित किया जाता है कि पेट्रोल डीजल से कितना कोई सब्सटेंस कितना इमिशन कर सकते हो। तो जैसे पेट्रोल में दिया था तुम्हारा, देख लो, ये 150 ppm SO2 पार्ट पर मिलियन होता है तुम्हारा। उसी तरीके से देखो, डीजल में था 350 ppm, ये डीजल का है तुम्हारा, सल्फर का दे रहा है, SO2 का। उसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है, तो ये 42% ही
फिर बाद में आया तुम्हारा कि इसको और घटाइए पेट्रोल डीजल में, अब 50 ppm कर दिया तुम्हारा, एरोमेटिक 35 कर दिया है। समझ में आया? ये तो कभी कभी ये क्वेश्चन स्टडी आता है। अब आ जाओ मेन जो इस चैप्टर का थी था, इस पार्ट का, वाटर पोल्यूशन देख लो। अब देख लो सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन तो समझ गए। अब कहता है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखो क्या होता है, दो तरह का होता है, पॉइंट सोर्स एंड स्केटर्ड सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स का जनरली तुम्हारा इंडस्ट्री, देख लो डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये क्या होता है तुम्हारा पॉइंट सोर्स होता है। देखो यहां पर क्या कहता है, जो भी तुम्हारा सीवेज जो होता है तो उसमें देखो कहता है 0.1% इंप्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन। एक्चुअली जो भी सीवेज होता है तो 99.9 तो वाटर होता है तुम्हारा, और इसमें ये 0.1% ही इंप्योरिटीज मिक्स होने के चलते क्या होता है, वो सीवेज वाटर जो है अनफिट हो जाता है ह्यूमन के लिए। अब देखो उसमें क्या क्या रहता है 0.1% में, देखो इट कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड, देखो सैंड स्लिट क्ले, कोलोइडल मैटर, फेशियल मैटर, पेपर, बैक्टीरिया, क्लॉथ। और यही देख लो ये जो फेशियल जो पोटी जो बोलते हो पेपर, ये क्या बना देता है ऑर्गेनिक मैटर। ये देख लो उसके बाद देख लो क्या कहता है, डिजॉल्व मटेरियल में तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स आता है, तो न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रेट्स भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, अमोनिया भी होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम। ये तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये फर्टिलिटी, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता, ये तो वाटर में दे रहे हो ना, तो देखोगे इसका कंसिक्वेंट क्या होता है। तो इसमें मेन चीज क्या पढ़ना है तुम्हारा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। देखो ये क्या होता है थोड़ा सा समझो। अब देख लो क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा क्या होता है। मान लो ये रिवर है तुम्हारा, ये वाटर है, अब ये सीवेज वाटर आया देख लो और यहां पर छोड़े आप, क्या होता है इस सीवेज वाटर में तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या होता है ये ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर आता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया का भोजन होता है, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया इस पर अटैक करेगा तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये फूड है तो डाइजेस्ट करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब क्या होता है ये ऑक्सीजन यहां यूज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते उस रिवर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, नीचे चला आता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाएगा तो जो अदर एक्वेटिक लाइफ है उस पर एडवर्स इफेक्ट होगा। मान लो मोस्टली फिश रहता है, फिश क्या होता है यहां पर मरना शुरू हो जाता है, इसी को कहा जाता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो समझो थोड़ा सा ध्यान से, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है देख लो। सपोज करो ये एक 1 liter वाटर है, अब इस 1 liter वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है, मान लो ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो देख लो कहता है क्या, What amount of the organic matter that present in the 1 liter of water? और उस organic matter को digest करने के लिए जितना oxygen की जरूरत होगा उसी को कहा जाता है BOD। फिर से सुनो, amount of the oxygen required by 1 liter of the water which contain organic matter, यानी 1 liter में जितना ऑर्गेनिक मैटर होता उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत होगा उसी को कहा जाता है BOD। और इसी BOD के लेवल से यह पता चलता है कि कोई भी वाटर जो है वो कितना कंटिमिनेटेड है, कितना गंदा है। अगर कहीं पे BOD का लेवल अगर ज्यादा होगा
ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो वो वाटर क्या होगा उतना कंटमिनेटेड होगा। अगर कहीं का मान लो कभी कभी पूछता है कि इस तरीके से दे देगा कि वाटर है, तो मान लो यहाँ पर कहता है बीओडी का डिमांड ज़्यादा है, उससे ही कम है, सबसे कम है, तो कौन क्लीन वाटर हुआ? तो जहाँ पर बीओडी कम होगा वो क्लीन वाटर होगा। तो ये कोई भी रिवर में जो देखते हो ना, कहता है ना कि ये कानपुर का जो शहरी क्षेत्र है वो बहुत कंटमिनेटेड है, तो कलकत्ता का ये, फिर वो आगे जाके यहाँ पर सही है, तो इसी बीओडी लेवल से जाँच होता है। अगर कोई भी वाटर बॉडीज में अगर बीओडी कम होगा तो इससे पता चलता है बीओडी अगर कम है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए सही है। फिर देख लो, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर ये खा जाएगा, ये वाटर आगे जाएगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बीओडी कम हो जाएगा, अब यहाँ पर फिश फिर जिंदा हो जाता है, जिंदा माने फिश सर्वाइव करना शुरू हो जाता है, यहाँ का फिश सर्वाइव करेगा। तो ये बीओडी से ही पता चलता है कि कोई भी वाटर कितना कंटिन्यू। एकदम फिर से कान खोल के सुन लो, अगर बीओडी कम है किसी वाटर बॉडीज का, इसका मतलब वो वाटर क्लीन है। अगर कहता है कि बीओडी ज़्यादा है, इसका मतलब वो वाटर कंटमिनेटेड है, वो गंदा है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, बीओडी लेवल, दैट इंडिकेट व्हिच वाटर बॉडीज इज क्लीन और नॉट। क्लियर है? इससे आगे नहीं बताएंगे। अब देखो यहाँ पर दिए हुआ है तुम्हारा, हमको लग रहा है दिखाई नहीं देता होगा बेटा। देखो क्या कहता है, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। अब देख लो क्या होता है, नहीं दिखाई देता होगा। देखो यहाँ से सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, बोलो। ब्लैक करके देखते हैं, ठहरो। दिखाई दे रहा है, देखो अब देख लो यहां, देखो ये सीवेज, देखो यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है, ये रिवर है सपोज करो, तो जैसे यहां पर डिस्चार्ज होगा, अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तुम्हारा, तो क्या होगा, यहां देखो ये ऑक्सीजन देख लो, ये यहां है, ध्यान से देखो लेवल, ये बीओडी देखो, ये है देखो, तो जैसे यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व आएगा तो एकाएक क्या होगा, यहाँ पर बीओडी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आया रिवर में, देख लो ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो बैक्टीरिया इस पर अटैक करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का तो भोजन है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्लस ऑक्सीजन भी चाहिए ना, तो क्या होगा, एकाएक उस वाटर में जो ऑक्सीजन है तो सारा बैक्टीरिया यूज कर जाएगा, तो एकाएक क्या होता है, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाता है, जिसके चलते देखो यहाँ दिया हुआ है फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर, यहाँ वाटर अब क्लीन नहीं रह जाता है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है फिश किल, फिश मरना शुरू हो जाता है, एंड वाटर क्या होगा, कंटमिनेटेड हो जाएगा। ध्यान से देखें, आगे बढ़े, अब देख लो, अब ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया, देखो अब जैसे जैसे वाटर फ्लो शुरू हो जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगेगा, तो बीओडी भी क्या होगा, कम होने लगेगा। देखो एक समय आता है, देखो यहां पर दिखा रहा है, ध्यान से देखना, बीओडी एकदम नीचे आ गया, अब देख लो डिजॉल्व ऑक्सीजन देखो ऊपर बढ़ते चला गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन यूज तो बैक्टीरिया कर नहीं रहा है, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये प्योर वाटर हो गया, क्लीन वाटर हो गया। अब देखो यहाँ क्या कहता है, रीअपीयरेंस ऑफ द क्लीन वाटर एंड ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देखो रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ये समझ में आया, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुआ है यार, देखो ना ये बीओडी धीरे धीरे देखो घटना शुरू हो गया, और यहाँ ये ऑक्सीजन एकाएक जो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटा, और जैसे इसे फ्लो बढ़ते गया, देख लो ये ऑक्सीजन बढ़ते चला गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, देखो रे इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर दिए हुआ है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्यारे लक्ष्मीकांत। ये देखो अलगल ब्लूमिंग क्या होता है, अलगी के लिए वरदान। वो जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है तुम्हारा, जो हमने बोला ना नाइट्रेट फॉस्फेट अमोनिया, ये सब क्या होता है, जैसे ही वो वाटर बॉडीज में आता है तो वाटर बॉडीज में क्या होता है, या तो बॉटम पे भी स्मॉल प्लांट होता है या ऊपर भी स्मॉल प्लांट होता है, तो उसके लिए वो वरदान हो जाता है, वो जल्दी जल्दी उसको खाना शुरू करता है, तो एकाएक उसका एसिलरेट ग्रोथ क्या होता है, एसिलरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब ग्रोथ एसिलरेट होगा तो दे ऑल्सो डिमांड हाई ऑक्सीजन, तो एकाएक क्या होगा, उस वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन कम होने लगता है, एंड दे हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अदर एक्वेटिक लाइफ। उसी को कहा जाता है अलगल ब्लूमिंग। और एक समय आता है कि वो वाटर बॉडीज जो देखोगे टोटली ऑक्यूपाइड बाय द अलगी स्मॉल प्लांट्स, देखोगे उसका वाटर ग्रीन हो जाता है एकदम। और बहुत सा देखोगे किसी ग्रामीण रूरल एरिया में जाओगे देखोगे इस तरीके का तालाब, वो तालाब अनफिट हो जाता है। तो उसी को देखो क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए वाटर्स ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग अलगी, इट कॉजेज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टिलिटी। जनरली वाटर में लोग फिशे मान के चलते, हमने क्या बोला अदर एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, उसकी मोर्टिलिटी बढ़ने लगता है, मरने लग जाता है। क्या होता है देख लो, ये मान लो ब्लैक से लिख रहे थे बेटा इसलिए नहीं दिखा रहा था, ये मान लो वाटर बॉडी है, मान लो ये न्यूट्रिएंट्स आया, अब इसे मान लो बॉटम पर छोटा प्लांट है या ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है यहां पर, तो जनरली ये अलगी ही होता है तुम्हारा। अब देखो ये बेचारा तो भीख मंगा था, छोटा प्लांट था, बड़ा बड़ा प्लांट उसको खाने नहीं देता था, अब एक आ गया सीवे से आया, अब क्या होता है ये जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है, तो जिसके चलते क्या होता है इसका ग्रोथ जो है एकाएक एक्सीलरेट हो जाता है। तो जितना ज्यादा ग्रोथ होगा दे डिमांड हाई ऑक्सीजन, ओ2 बढ़ेगा, तो जैसे ही ओ2 बढ़ेगा तो अब उस वाटर बॉडी में ओ2 क्या होगा ड्रॉप करेगा, और इस ड्रॉप के चलते क्या होता है जो अदर एक्वेटिक लाइफ होता है दे हैव द एडवर्स इफेक्ट, उसकी मोर्टिलिटी क्या होता है बढ़ने लग जाता है, फिश मरने लग जाता है, तो उसी को अलगल ब्लूमिंग कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुआ है तुम्हारा, ये ब्यूटीफुल महबूब कलर्ड फ्लावर्स डिसअपीयर ड्यू टू द अलगल ब्लूमिंग, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये याद रखना बेटा। इसी अलगल ब्लूमिंग के चलते क्या हुआ, देखो कि क्या होता है जहां पर अलगल ब्लूमिंग हो जाता है, सपोज करो वो पूरा वाटर बॉडीज अलगी ऑक्यूपाई कर लेता है, तो देखोगे वहां पर कुछ अगर एक्वेटिक लाइफ मिलोगे अभी तो देखोगे मछली सब छोटा छोटा, मेंढक छोटा छोटा, क्योंकि उस वाटर में ऑक्सीजन तो सब ही ले लिया, उसका ग्रोथ ज्यादा हो गया, छा गया। दूसरा देखो कहता है बायो मैग्निफिकेशन, एकदम इसे दिमाग में रखना, बायो मैग्निफिकेशन देखो कहता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, एग्जाम्पल दिया हुआ है मरकरी एंड डीडीटी, थोड़ा सा इसको समझना। अब देखो क्या होता है, जनरली आप क्या करते हो, पेस्टिसाइड का यूज करते हो, हर्बिसाइड का यूज करते हो, तो जनरली जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो टूटता नहीं है। मान लो सपोज करो आप मस्क्यूटो मारने के लिए डीडीटी का यूज किए, तो नो डाउट मस्क्यूटो तो मर गया आपका, लेकिन वो डीडीटी प्लस वो डेड मस्क्यूटो फिर कहाँ आ गया, आपके ड्रेनेज में, और ड्रेनेज का कनेक्शन कहाँ है, वो सीवेज के थ्रू कहाँ आ गया, किसी वाटर बॉडीज में आ गया, अब उस वाटर बॉडी में वाटर से मिक्स हो गया, अब वही डीडीटी क्या होगा, वही पानी पिएगा मछली, उस मछली को तुम खाए तो वो डीडीटी तुम्हारे पेट में आ गया। आप कहते हो नहीं सर हम वेजिटेरियन हैं, तो ठीक है भैया यही वाटर यूज हुआ एग्रीकल्चर में, क्रॉप उस वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ वो डीडीटी को भेज दिया आपके फूड में, तो ये डीडीटी एनी हाउ क्या होता है लास्टली इंटर करता है आपके फूड चेन में तुम्हारा, और इसका क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो इसकी क्वांटिटी भी मल्टीपल होते चला जाता है, और जो उस ट्रॉफिक लेवल में उस फूड चेन में जो हायर लेवल पे होता है तो उसके बॉडी में उस डीडीटी की मात्रा ज्यादा होगा, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। इसका एक स्टोरी हम बता रहे हैं कि अमेरिका में एक लैक है,
और एक बॉट्स होता है, उस बॉट्स का हमको नाम नहीं याद है, तो वो अमेरिका गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है। क्या हुआ, वहाँ मच्छर का बहुत प्रकोप था जिसके चलते वो बॉट्स मरता था। तो हुआ कि कैसे उससे बचा जाए, तो उसी समय ये DDT बना था तुम्हारा, तो DDT का वहाँ पर छिड़काव किया गया, तो जिसके चलते बर्थ का जो है, बर्ड्स का बर्थ रेट जो है, डेथ रेट घटने लगा, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा। तो दो वर्ष के बाद वो अमेरिकन गवर्नमेंट DDT को क्या किया, ह्यूमन मास पे भी अप्लाई शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या देखता है उस लेक में, आफ्टर 5 ईयर जो है क्या हुआ, वो एक जो है वो हैच करने से पहले इमैच्योर बच्चा पैदा होता था जिसके चलते मर जाता था। तो जब पता लगाया ऐसा क्या हुआ, तो क्या हुआ उस एक के ऊपर जो हार्ड कवर होता है कैल्शियम, उसके ऊपर वो DDT का लेयर आ गया था, जिसके चलते क्या हुआ हार्ड कवरिंग थीन हो गया था और वो इमैच्योर बच्चा बाहर आ जाता था। तुरंत अमेरिकन गवर्नमेंट क्या किया, DDT पर बैन कर दिया और कहा कि इसको इंडिया भेज दो, तो इंडिया में अभी भी चलता है। तो इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्लियर हुए? अब देखो ये क्या कहता है, सिंपली कह सकते हो डिपोजिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस व्हिच इंटर थ्रू द फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो क्या कहता है, इफ इट स्टार्ट एट, ये देखो 0.003 ppb, देखो ppb क्या, पार्ट्स पर बिलियन इन वाटर, इट कैन अल्टीमेटली रीच 25 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन ए फिश ईटिंग बर्ड्स। High concentration of DDT disturb calcium metabolism in birds, which causes thinning of egg cell and their premature breaking, causing decline in bird population, जो अभी हम बताए हैं तुमको। समझ में आया biomagnification? Confused मत होना। दूसरा देखो यूट्रिफिकेशन आता है, ये नेचुरल एजिंग ऑफ लैक बाय न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, ये थोड़ा मोड़ा अलगल ब्लूमिंग से मिलता है यूट्रिफिकेशन तुम्हारा। इन नेचुरल एजिंग ऑफ लैक क्या होता है, कोई भी जो नेचुरल लैक होता है, तो मान लो अगर उसमें ड्रेनेज का वाटर आना शुरू हुआ तो उसके चलते क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर भी अलगल ब्लूमिंग ही शुरू हो जाता है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर एक कहता है कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रिफिकेशन, कहता है मैंस एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड होम कैन एक्सीलरेट द एजिंग प्रोसेस। तो माने वो नेचुरल लैग क्या होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स वहां जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी अलगल ब्लूमिंग के जैसे शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तो ये दिमाग में रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूट्रिफिकेशन एंड कल्चरल एंड एक्सीलरेटेड, ये एक्सीलरेटेड मैन मेड होगा और ये नेचुरल होता है तुम्हारा। ये देखो अब आ जाओ तुम्हारा, ये तो तुम्हारा वाटर पोल्यूशन था, इसके अलावा भी तुम्हारा क्या होता है जो पोल्यूशन कॉज करता है, जिसे सॉलिड वेस्ट हो गया। अब देखो क्या कहता है, एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ए टेरेस इट कंप्राइजेस, देखो पेपर फूड वेस्ट प्लास्टिक ग्लास मेटल्स रबर लेदर टेक्सटाइल ETC। अब देखो क्या कहता है, अब उस सॉलिड वेस्ट को कैसे, जनरली देखोगे वो जो आप अपने घर से भी आपका निकलता है, चाहे इंडस्ट्री से चाहे हॉस्पिटल से भी निकलता है तुम्हारा, सबसे खतरनाक होता है हॉस्पिटल से। तो अब उसका तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है बर्निंग, तो देख लो क्या कहता है, बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट और सिनेट्री। और देखो अब यहां पर बर्निंग में क्या होता है, आप बर्न तो क्या देखते हो, दिल्ली में बड़ा बड़ा टीला लग जाता है, आप ही क्या देखोगे किसी भी शहर में जाओगे जो कचरा लेके कहीं पर जाके डंप कर देता है, उसमें आग लगा देता है। कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बसन होता है, नहीं जलता है, नहीं जलने के कारण क्योंकि तो कचरा है, वहां पर क्या होता है रैट फ्लाई का प्रकोप आपका बढ़ जाता है। दूसरा एक तरीका कहता है, देख लो क्या कहता है, सिनेट्री लैंडफिल, माने गड्ढा खोद के उसमें डंप कर दो कचरा को और ऊपर से माटी लगा दो, इसका भी बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, डिकम्पोजिशन होगा यहाँ के अंदर, स्लोली होता है तुम्हारा। अब इसमें केमिकल टॉक्सिक बनता है, कभी कभी सीपेज के द्वारा कहाँ चलाता है, आपके सॉइल में चलाता है, ठीक है। अब इससे भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला देखो क्या कहता, ऑल द वेस्ट दैट यू जनरेट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, देखो बायोडिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपका जो कचरा वाला होता है या जो रोड फीकर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करता है, भले आप लोग को नहीं देखोगे वो पिकअप करता है,
तो वो रिसाइकिलिंग को अलग करता है और जाके वो बेच देता है, फिर उसका रिसाइकिल होकर मटेरियल बनता है। जैसे सुने होंगे बंगलोर में खान ब्रदर्स था तुम्हारा, प्लास्टिक को क्या किया, ब्लेंडेड करके पॉलीब्लिम बना के उसका यूज कहाँ किया, रोड कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा यूज किया। तो थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट क्या होता है, ये कहाँ से आता है, तुम्हारा कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। ये भी खतरनाक होता है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही क्या बोलते हैं, ई वेस्ट कहा जाता है, व्हिच प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब देखो ओजोन डिप्लेशन सब आदमी जान रहे हो। अब देखो ओजोन डिप्लेशन क्या होता है तुम्हारा, आपका जो एटमोस्फियर है अर्थ से ऊपर, तो सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोफोस्फियर, इसके ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर होता है। क्या होता है, इसी स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, एक लेयर होता है ओजोन का, ओजोन इज नथिंग दैट इज द O3, और ये बनता भी है तुम्हारा ऑक्सीजन से। देख लो ये O2 प्लस O इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पॉइंट से क्या बन जाता है, O3, और ये थिक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। पर्पस क्या होता है, ये सन से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये अर्थ पे आ जाएगा तो क्या होगा, पूरा लाइफ है तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, स्किन कैंसर प्लांट को ग्रोथ ही नहीं होने देगा। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, इस अल्ट्रा वायलेट को बैक कर देता है, तो ये अम्ब्रेला का काम करता है या शील्ड का काम करता है, व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब देख लो जब तक ये ओजोन लेयर नहीं था अर्थ पे, लाइफ नहीं एग्जिस्ट किया, जब ऑक्सीजन आया तो उसी अल्ट्रा वायलेट रे के प्रेजेंस में तुम्हारा ओजोन लेयर बना। अगर उस अल्ट्रा वायलेट को मालूम रहता है कि साला मेरे ही प्रेजेंस में तू बन रहे हो और मेरे को ही रोक रहे हो, रोक दिया उसको, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ओजोन लेयर क्या, तो इसको कहा जाता है गुड ओजोन, आपके NCERT में दिए हुआ है, और ये ट्रोफोस्फीयर में जो होता है उसको कहा जाता है बैड ओजोन। तो ये क्या करता है, तुम्हारा प्लांट और एनिमल के पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो मेन तुम्हारा वही ओजोन जो है, गुड ओजोन जो बोल रहे हो। अब अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये थीन होते चला जा रहा है, इसी को कहा जाता है डिप्लेशन। तो ये थीन क्यों हुआ, तो उसका रीजन देता है CFC कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा देता है एरोसोल। तो ये CFC कहाँ यूज होता है, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर जो भी कूलिंग एजेंट है, तो क्या होता है जब यूज करते हो तो इससे क्लोरीन गैस निकलता है, और ये क्लोरीन गैस क्या होता है, डायरेक्टली हीट करता है तुम्हारा ओजोन लेयर को। तो ये ओजोन देखो इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पर बॉन्डिंग तोड़ के बीच में ये CL आ जाता है, तो जिसके चलते धीरे धीरे थीन होते जा रहा है, तो दैट इज नोन एज ओजोन डिप्लेशन। और एक भी स्टडी आया है तुम्हारा कि अंटार्कटिका में क्या हुआ, यहाँ पर होल हो गया है। अब सोचो अगर होल होगा तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट तो डायरेक्टली हीट करेगा तुम्हारा अर्थ पे। तो देख लो क्या करता है, इट इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर कोल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। देखो इट एक्ट एज ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखो द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ देखो डॉप्सन यूनिट, याद रखना बेटा DU इसको कहा जाता है। अब देखो कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। देखो इट कॉजेज देखो एजिंग ऑफ स्किन एंड स्किन कैंसर इन ह्यूमन आइज, कॉर्निया एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, एंड हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कोल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है नीट में कॉन्ट्रैक्ट, देख लो। अब देखो कहता है कि एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था इन 1987 इफेक्टिव 89 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। कहा गया कि जो रेफ्रिजरेटर में जो CFC यूज होता है तुम्हारा, तो उसके जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाए जो ओजोन लेयर को हीट ना करे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन टास्क भी दिया गया था 10 ईयर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देखो डिग्रेशन बाय
इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस देख लो, जिसमें आता है तुम्हारा सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, समझिए सॉइल इरोजन के चलते ही डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर लॉगिंग आउटसाइड क्या होता है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते वाटर बहुत एसेंशियल होता है, वाटर लॉग थी तब वाटर लॉगिंग शुरू हुआ। अब इस वाटर लॉगिंग से क्या होता है, इसमें साल्ट जो आता है धीरे धीरे यहाँ पर साल्ट बढ़ते जाता जाता है और एक समय आता है वाटर साल्टी हो जाता है। तो आप सोच लो एक्वेटिक जो भी लाइफ होगा सर्वाइव नहीं करेगा, यही सीपेज के द्वारा कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल भी तुम्हारा साल्टी होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा तुम्हारा कम होते चला जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, सब आदमी जानो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, जंगल को काटता है लोग, काहे के लिए काटता है, एग्रीकल्चर के लिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जंगल को काटते जा रहा है और उसको कल्टिवेटेड लैंड बनाते चला जा रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी में पढ़े होगी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये इसलिए बता रहे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ कुछ दिए हुआ है, ये इसी को झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। क्या होता है, ये जो लोकल आदमी होता है इसे मान लो एक तो जंगल को काटा, अब वहां पर ये खेती किया, ठीक है, धीरे धीरे इस सॉइल की फर्टिलिटी कम होते चला जाता है, एक तो जंगल काटा, डिफॉरेस्टेशन किया, उसके बाद वो कल्टीवेटेड लैंड बनाया, खेती शुरू किया, एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष, तो धीरे धीरे इसकी फर्टिलिटी घटेगा ना बेटा, एक समय आता है कि इसकी फर्टिलिटी जीरो हो जाता है। क्या करता है, इस लैंड को ऐसे ही छोड़ देता है, अब दूसरे जगह चला जाता है, फिर जंगल काटेगा, उसी को कहा जाता है झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसको जलाता भी है वहां पर। अब देख लो यहां पर क्या, अब आया रिफॉरेस्टेशन। अब देखो रिफॉरेस्टेशन तुम्हारा दो तरह से होता है, पहले कहीं पर अगर फॉरेस्ट था किसी कारण बस उसको काट दियो तो वहाँ देखोगे रिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत हाई होता है, नेचुरल भी हो जाता है, या तो आप प्लांट लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आया तुम्हारा देख लो पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक स्टोरी सुने होंगे, जयपुर का तुम्हारा राजा था, उसको फर्नीचर बनवाना था, तो एक बिश्नोई वहाँ कल्चर समाज होता है तुम्हारा, वो जंगली एरिया में रहता है, माने वो ट्राइबल भी है। तो जब राजा का आदमी गया जंगल को काटने, लकड़ी तो नहीं काटने दिया, उसमें बहुत सा आदमी मर गया, राजा बाद में काट ही लिया। तो वही एक दे रहा है यहाँ पर देख लो, ए बिश्नोई ओमेन अमृता देवी सूट एग्जाम्पल कैरेज बाय हगिंग ए ट्री एंड डेरिंग किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। कहा पहले मेरे को काटो तब तू ट्री काटोगे, हालांकि उसको बहुत सा आदमी उसमें मरा था, लेकिन बाद में एक एग्जाम्पलर वो बना तुम्हारा। और भारत सरकार क्या किया उसके चलते वहां पर एक अवार्ड भी अमृता देवी वाइल्ड लाइफ अवार्ड भी देता है। दूसरा तुम्हारा चिपको मूवमेंट गढ़वाल में हिमालय, यहाँ भी तू था हग द ट्री 1974 में आया। फिर गवर्नमेंट क्या किया तुम्हारा, कुछ प्लान बनाया कि कैसे माने कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट को। तो देखो एक नया अथी किया गवर्नमेंट 1980 हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ देखो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, एकदम याद रखना बेटा, ठीक है। इसमें क्या किया देख लो, वो जो ट्राइबल जो था तुम्हारा उसके साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेशन किया। अब क्या हुआ कि वो उस फॉरेस्ट से का यूज भी करता था, लेकिन उस लोकल पीपल को भी बेनिफिट दिया, उसका फ्रूट तुम खा सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, और गवर्नमेंट को बेनिफिट, इसी को कहा जाता है JFM। देखो कहता है सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस टू द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से उस लोकल पीपल से चलते क्या हो, तुम्हारा फॉरेस्ट भी कंजर्व होना शुरू हो गया, प्रोटेक्ट भी होना शुरू हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर सब काट देता था, काटना था दो पेड़ काट देता था दस पेड़, फिर क्लियर हुए। तो इतना तुमको ये इन्वायरमेंटल इशू में पढ़ना था बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो और मित्रों के बीच में फैलाओ। वेबसाइट देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा जानना है WPharmartham फाउंडेशन पर जाओ। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट है, एक ग्रेविटी फिजिक्स करके है देखोगे, बहुत अच्छा कुछ सर पढ़ाते हैं,
वहाँ भी जा सकते हो। अगर अब बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस नोट्स पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज, बहुत सा फ़ायदा है बेटा। अब मुश्किल से हमको लगता है 200-250 रुपया पर मंथ इसका चार्ज है। हमने शुरू से बोल रहा हूँ कि एनजीओ की तरफ से चलता है, ठीक है। हाय, धन्यवाद।